ये कौन सी जगह है? पंचमुखी महादेव और रॉक पेंटिंग, साउंड्स इंटरेस्टिंग। महादेव की भी अलग ही बात है, कभी वो पहाड़ की चोटियों में बसते हैं तो कभी पहाड़ की गुफाओं में। क्या खूबसूरत जगह है ये सारी पेंटिंग्स 15,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सो हे गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सोनभद्र सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। और आज हम इस सीरीज़ में एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं, तो समय को नहीं बर्बाद करेंगे, करेंगे इस ब्लॉग को फटाफट शुरू। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स एक्सप्लोर। 3, 2, 1 गो। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम पहुंच चुके हैं पंचमुखी महादेव टेंपल। ये मंदिर जो है वो दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला तो ये महादेव का मंदिर है, इसलिए फेमस है ही। दूसरा, ये फेमस है रॉक पेंटिंग के लिए, वो भी एंशियंट रॉक पेंटिंग के लिए। तो हम चलेंगे वहाँ पे, आपको दिखाएंगे कि कैसा है मंदिर और कैसी है वो रॉक पेंटिंग्स। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली पड़ता कहाँ है। तो ये जो मंदिर है वो सोनभद्र के चुरक वाले एरिया में पड़ता है। तो फ्रेंड, जो सामने आप रोड देख रहे हो, ये वाराणसी शक्तिनगर हाईवे है। तो जब आप वाराणसी से आ रहे होगे, आप पहुंचोगे सोनभद्र। सोनभद्र से जब आप आगे आओगे तो आपको ऐसा एक बोर्ड दिखेगा। बोर्ड देखने के बाद आप एरो देख के आपको जाना कहाँ है, आपको इस वाले टर्न में जाना है, जो सामने आपको गेट दिख रहा है। ये वाली जो जगह है वो चुरक मोड़ के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये वाला रास्ता जो है चुरक जाता है और ये वाला रास्ता सीधे शक्तिनगर निकल जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ से मुड़ना है, ना कि सीधे जाना है। अगर सीधे गए तो समझ रहे हो। तो जब आप चुरक मोड़ से मुड़ने के बाद हार्डली 1 किलोमीटर आएंगे तो आपको एक ऐसा बोर्ड दिखेगा, यहीं से आपको राइट टर्न लेना है और इस वाली रोड से आगे जाना है। और फ्रेंड्स, आप लोकेशन के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, मैं यहाँ का गूगल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ पर आप टैप करके आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं मंदिर के। मंदिर वो पहाड़ की ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए ये जो रास्ता भी है ना, वो भी बहुत चढ़ाई वाला है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लैंट रास्ता है। इधर से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, आपको मैं एक बार 360 डिग्री व्यू दिखाना चाहता हूँ यहाँ का, कि ये कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, जब तक मैं करता हूँ इस पूरे जगह को एक्सप्लोर, तब तक आप एंजॉय करिए यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स को। वो फ्रेंड्स कि आपको सिनेमैटिक शॉट्स देख के मज़ा आया होगा। अब मैं आप पहुंचा हूं महादेव टेंपल। आप पीछे देख सकते हो बोर्ड है और उसके पीछे लिखा हुआ है रॉक पेंटिंग। तो दोनों चीज़ें हैं यहां पे। और चलते हैं अब अंदर और देखते हैं क्या क्या आपको दिखाते चलते और करते इस पूरी जगह को एक्सप्लोर। तो ये है यहाँ की मेन एंट्रेंस, आप देख पाओगे ऐसे बोर्ड को यहाँ पर। यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको छोटी मोटी शॉप्स मिल जाएंगी। वो दूर पे जो एरिया है वो कोई पिकनिक स्पॉट टाइप का लगता है, उसको लास्ट में देखेंगे। समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप अगर आप आते हो तो अपना खाने पीने का और सामान ला सकते हो। अगर नहीं आओ, लेके भी आते हो, तो यहाँ पे आपको पानी की बोतल और स्नैक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मंदिर के प्रसाद के चढ़ावे का भी सारा सामान मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लेके आपको सीढ़ियों से फिर आगे ऊपर बढ़ना होगा। तो मैंने ले लिया प्रसाद को। अब ये सीढ़ियाँ जो है ऊपर जाएंगी मंदिर की ओर। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या है नज़ारा। तो आज का दिन जो है वो मंडे है, तो इसलिए सोमवार का दिन है, तो महादेव का दिन है, इसलिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी आपको।
का दर्शन कर लिया। यहाँ पे कुछ एंशियंट पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिनको फिर से रेनोवेट किया गया। बेसिकली मैक्सिमम पेंटिंग्स जो है ना वो रिमेन्स है, देख रहे किसी का फेस गायब है, किसी का कुछ कहा है, और कितना नॉर्मल वे में इसको बनाया गया है, देख रहे हैं। कुछ खास क्लीनिंग नहीं, आप फेस नहीं पहचान सकते कि फेस में ना आँख क्लियर है, ना नाक क्लियर है, ना मुंह क्लियर है। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना गॉड एंड गॉडेसेस का रिजेंबल करने का, वो यहाँ पे बनाया गया है। बहुत ही अनोखे टूल्स का यूज़ नहीं किया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज को थे। तो फ्रेंड्स, महादेव का दर्शन तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया और मैंने पहली बार ऐसा पंचमुखी शिवलिंग देखा है। और यहाँ का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त व्यू चारों तरफ से। मैं आपको एक बार पूरा 360 डिग्री यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और रॉक पेंटिंग्स के बारे में मैं आपको और बताऊँगा, क्योंकि नीचे और एक गुफा टाइप का है और उसमें पूरी रॉक पेंटिंग्स है। चलेंगे वहाँ पर भी और देखेंगे। तो एक बार मैं पहले आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। क्या खूबसूरत जगह है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी खूबसूरत चीज़ें देखना पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा प्रोफाइल आईडी आपको ऊपर दिख जाएगा और आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर रेगुलर नेचर्स की ब्यूटीफुल पिक्चर्स और रील्स को पोस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो कितने सारे पोस्ट हैं यहाँ पर। आप देखोगे तो मेरे फॉलोअर से ज़्यादा मेरे पोस्ट है, तो थोड़ा सा भाई बढ़वा भी दो उसको। तो मंदिर दर्शन के बाद अब चलते हैं रॉक पेंटिंग्स की तरफ। मंदिर के पीछे साइड आपको एक छोटा सा गेट दिख जाएगा ऐसा, यहाँ से आपको निकलना और एक पाथवे बना हुआ है, इस पाथवे से आपको नीचे जाना है। अगर आप ऊपर से ही घूम के चले गए तो इसको मिस कर जाएंगे। यहाँ पे एक नीम का पेड़ है। अब नीम के पेड़ के नीचे आपको यहाँ पे देखिए छोटी सी गुफा दिख रही होगी पीछे की साइड। ये आगे से स्ट्रक्चर बना दिया गया, अंदर से पहाड़ का शेप है पूरा। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कैसा व्यू है। इससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मॉडर्न चीज़ अट्रैक्ट करती हैं और कुछ लोगों को एंशियंट चीज़। मुझे पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोग अपनी सोच विचार के अनुसार ही काम करते थे। अब ये जैसे आप ये रॉक पेंटिंग देखने की कोशिश कर रहे होंगे, इसमें ना आँख है, ना मुँह है, ना नाक है, ना कुछ नहीं है, लेकिन एक गॉडेस का फॉर्म या गॉड का फॉर्म बना दिया गया है जैसा उनको लगता था कि होना चाहिए। जैसे हाथ पैर, भगवान को भी इंसान का ही रूप दिया गया है, कुछ अलग सा नहीं किया गया है। तो पहले के ज़माने में मतलब भगवान को डिपिक्ट करने के लिए जो उनको समझ में आता था वो इस पत्थर पर कार्व कर देते थे। तो ऐसी कार्विंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पहाड़ों के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ पेंटिंग्स दिख जाएंगी जो लकीर के फॉर्म में बनी है, कुछ लाइंस बनी है टेढ़ी मेढ़ी सी। मैं आपको और क्लोज़र लुक में दिखाता हूँ इसको। जैसा कि आप देख सकते हो ये पेंटिंग्स जो है वो उंगली से छूने पे भी बाहर नहीं निकलती है, और ये पेंटिंग्स जो है 15,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो ये अनोखी बात है इसकी। तो फ्रेंड्स, सोनभद्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। अगर आप सोनभद्र आ रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, एकदम वर्थ विजिटिंग प्लेस है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक गाय की पेंटिंग दिखेगी। एंशियंट सिविलाइजेशन में ऐसी चीज़ को ही पेंट किया जाता था जो उनके डे टू डे लाइफ में होती थी। जैसे अगर गाय देख ली तो गाय बना दी, घर बना दिए, इंसान बना दिए, तो वही सारी पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया जाता था पत्थरों पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको खूबसूरत महादेव पंचमुखी महादेव मंदिर दिखा दिया, आपको भित्ति पेंटिंग यानी भित्ति चित्र भी दिखा दिया जिसको रॉक पेंटिंग कहते हैं, और कुछ रिमेन्स भी दिखा दिए कि जो कि मूर्तियां बनाई गई थी उस समय। कहा जाता है ये लगभग 15,000 साल पुरानी है। तो ये सारा हो गया। अब मैं आपको मंदिर का चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा। तो मंदिर के प्रांगण से आपको इधर ज़बरदस्त व्यू तो दिखेगा ही, और मंदिर के प्रांगण में आपको यहाँ पे अग्निकुंड दिखेगा। तो यहाँ पे हवन होता है और यहाँ पे भी आपको कुछ रिमेन्स दिखेंगे मूर्तियों के। कहाँ है कोई नहीं। हो गई है पूजा, अब चलते हैं नीचे की ओर और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे उधर के साइड, उधर का भी व्यू देख लेते हैं कि कैसा है। तो दोस्तों, महादेव का दर्शन करके मज़ा तो आया लेकिन गर्मी में हालत खराब हो गई। अब देख तो कितना ब्राइट सनी डे है और ब्राइट सनी डे में पहाड़ों के ऊपर हालत ख़राब कर देता है। तो हम इस साइड आ गए जिधर हम कह रहे थे आने के लिए। यहाँ पे व्यू तो सही है लेकिन अब देखते हैं और क्या चीज़ है। कितनी सही सी जगह है,
अभी कोई मेरे साथ होता ना तो मैं वहाँ पे जाके कॉर्नर में फ़ोटो खिंचाता और लगता कि एकदम हवा में हूँ। ऑल दो वहाँ पे थोड़ी बहुत तो गहराई है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन देखने में लगता अगर फ़ोटो में तो ज़बरदस्त लगता कि कितनी ज़्यादा गहराई है। अब यहाँ से व्यू बहुत सही लग रहा है, पहले मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था। ये जगह भी ना बहुत ज़्यादा हाइट पे, अगर आप यहाँ कॉर्नर पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा ऊँचाई है, लेकिन खूबसूरत। बस ऐसी जगहों से मुझे प्यार है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, ये एक पिकनिक स्पॉट भी, देखिए यहाँ पे कुछ लोग खाना वाना बना रहे हैं, तो फुल टू एंजॉय कर रहे हैं पेड़ की छाँव में, पहाड़ों में। थोड़ा सा मौसम और ज़्यादा मस्त होता है ना, बादल होते ढेर सारे, हल्की हल्की बारिश होती तो एकदम मज़ा आ जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों इतनी कड़ी धूप में हम वहाँ से यहाँ आ गए नेचर्स की ब्यूटी को खोजते खोजते, और यहाँ से व्यू आपको गजब दिखेगा। सामने आपको जो प्लांट दिख रहा होगा वो चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री है, और यहाँ से व्यू आपको ज़बरदस्त दिखेगा एकदम। तो मैं चारों तरफ घूम करके कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता जो कि मिस हो जाए। तो फ्रेंड्स इस वाले व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस वाले व्लॉग में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग, गुड बाय। तो जब आप अकेले व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना तो व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्यों? अगर आपको सिनेमैटिक शॉट्स लेना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, कैमरा सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद शूट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक बाइक राइड का वीडियो छोटा सा क्लिप 5 सेकंड का शूट करना है तो उसके लिए मुझे पहले कैमरा को सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया कैमरा को सेटअप, अब मैं जाऊँगा बाइक के पास, बाइक चलाऊँगा तब भी शूट होगा।